पंचायत चुनाव को लेकर एक बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है कि इस बार ग्राम प्रधान के प्रत्याशियों को पार्टियों से टिकट मिलने की संभावना बताई जा रही है। तो चलिए जानते हैं कि इस बार पंचायत चुनाव में सभी उम्मीदवारों को पार्टी अपना टिकट देगी तो क्या है पूरा मामला, इस वीडियो में देंगे हम आपको पूरी जानकारी। वीडियो को पूरा एंड तक देखें और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको बता दें यूपी में होने वाले पंचायत चुनाव में राजनीतिक दलों की दखल सिर्फ जिले की पंचायतों तक रहेगी। गांव की पंचायतों से सभी राजनीतिक दल अपने को दूर रखेंगे। इसके पीछे ये माना जा रहा है कि किसी ग्राम प्रधान के चुनाव में एक जाति के कई प्रत्याशी मैदान में होते हैं, ऐसे में किसी एक को प्रत्याशी बनाने या समर्थन देने में उसी जाति के तमाम लोग विरोधी हो जाएंगे, जिसका असर 2022 के विधानसभा चुनाव में पड़ सकता है। राज्य में पंचायत चुनाव कभी दलीय आधार पर नहीं हुआ है, सिर्फ जिला पंचायत सदस्य के चुनाव में राजनीतिक दल खुलकर समर्थित प्रत्याशी देते रहे हैं। इससे जिस दल के सदस्य अधिक चुने जाते हैं वो दल जिला पंचायत अध्यक्ष बनाने में सफल हो जाता था। बीडीसी चुनाव में सीधा दखल नहीं देने के बाद भी जब ब्लॉक प्रमुख का चुनाव होता है उस समय राजनीतिक दल दावपेच से अपना ब्लॉक प्रमुख बनाने की कोशिश करते रहे हैं। इस बार के पंचायत चुनाव में सभी राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारी जिला पंचायत सदस्य के चुनाव तक सीमित रखी है। इसी बीच आपको बता दें कि जिला पंचायत सदस्य चुनाव में राजनीतिक दल इसलिए खुलकर आ जाते हैं क्योंकि पंचायत सदस्य के प्रत्येक सीट के तहत 20 से 22 ग्राम पंचायतें होती हैं। गांव में इस चुनाव को मिनी विधायक का चुनाव भी कहा जाता है। भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष व पंचायत प्रभारी विजय बहादुर पाठक के मुताबिक पार्टी ने अभी सिर्फ जिला पंचायत सदस्य के 3000 से अधिक सीटों पर ही प्रत्याशी उतारने की तैयारी की है। ग्राम प्रधान और बीडीसी सदस्य पर पार्टी चुनाव में जाएगी, इस पर कोई फैसला अभी नहीं हुआ है। वहीं आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी ने भी जिला पंचायत सदस्य के लिए ही प्रत्याशियों को समर्थन देने की तैयारी तक खुद को सीमित रखा है। बसपा के अंदर अभी पंचायत चुनाव को लेकर कोई सुगवाहट नहीं है। केंद्रीय नेतृत्व के दिशा निर्देशों का इंतजार हो रहा है। उम्मीद की जा रही कि 15 जनवरी को बसपा सुप्रीमो मायावती के जन्मदिन के दिन इस संबंध में कोई फैसला हो सकता है। वहीं आपको बता दें कि 9 छोटे दलों को जोड़कर भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाने वाले सोहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का कहना है कि उनका मोर्चा सिर्फ जिला पंचायत सदस्य के लिए प्रत्याशी देगा। ग्राम प्रधान के लिए प्रत्याशी देकर मोर्चा में शामिल दल गांव की राजनीति में पार्टी नहीं बनेंगे। यदि निर्वाचन आयोग इस चुनाव को सिंबल पर कराने की घोषणा कर देता है तो ग्राम प्रधान के चुनाव में प्रत्याशी उतारने पर विचार किया जाएगा। उन्होंने बताया कि पंचायत चुनाव में अजदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से भी जिला पंचायत सदस्य के कई प्रत्याशी होंगे। बाबू सिंह कुशवाहा कृष्ण पटेल की पार्टी के साथ ही मोर्चा के अन्य दलों से भी प्रत्याशी होंगे। प्रत्याशियों पर फैसला मोर्चा के सभी घटक दल मिलकर करेंगे। उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही ताज़ातरीन खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब।